जय श्री कृष्ण बच्चों, आज आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन कक्षा पास से पाठ 14। पाठ 14 में पूर्व में हम प्रश्न संख्या 1 से 19 तक के प्रश्नों को समझ चुके हैं। आज हम इसके प्रश्न संख्या 20, 21, 22, 23 चार प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न संख्या 20 है, भोजन में लार के मिलने से क्या होता है। आपके भोजन में जब लार मिलती है तो लार के मिलने से क्या होता है। तो इसका उत्तर है, भोजन में लार के मिलने से वह लसलसा बनता है जिससे भोजन नली द्वारा आसानी से निगला जा सके। भोजन में लार के मिलने से क्या होता है, वह लसलसा बन जाता है। जब भोजन में लार मिलती है तो वह लसलसा बन जाता है और जिससे भोजन नली द्वारा आसानी से निगला जा सके। जो हमारा भोजन होता है वो भोजन नली से होकर नीचे पेट में पहुंचता है, तो भोजन नली द्वारा आसानी से निगला जा सके इसके लिए क्या होता है, भोजन में क्या मिल जाती है हमारे मुंह में, लार मिलती है। और जब लार मिलती है तो हमारा भोजन कैसा हो जाता है, लसलसा। लार मिलती है फिर हम भोजन को चबाते हैं, मुंह में जो निवाला होता है उसको हम जो चबाते हैं, तो चबाने के बाद उसमें क्या मिलती है, लार मिलती है। तो वो हमारा भोजन कैसा हो जाता है, लसलसा, और फिर वो भोजन नली द्वारा आसानी से निगला जा सकता है। प्रश्न संख्या 21, हमें कृमि नियंत्रण के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए। हमें कृमि नियंत्रण के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो इसका उत्तर है, हमें कृमि नियंत्रण के लिए निम्न कार्य करने चाहिए। पहला है, स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें। हमारे शौचालय कैसे होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। जूते चप्पल अवश्य पहने, हमें जूते चप्पल अवश्य रूप से पहनने चाहिए। शौच के बाद व खाने से पहले साबुन से हाथ अवश्य धोएं। शौच के बाद यानी आप जब शौच करके आते हैं उसके बाद और जब आप खाना खाने बैठते हैं उससे पहले आपको साबुन से हाथ अवश्य धोना चाहिए। चौथा पॉइंट है आपके, सब्जियों व फलों को साफ व शुद्ध पानी से धोकर उपयोग करें। आपकी जो सब्जियां हैं, फल हैं, इनको क्या करना है, साफ व शुद्ध पानी से धोकर उपयोग करना है। और पांचवा पॉइंट है, नाखून कटे व साफ रखें। आपको नाखून कैसे रखने हैं, आपके कटे हुए होने चाहिए नाखून, छोटे कटे होने चाहिए, लंबे लंबे नाखून नहीं रखने चाहिए। अगर लंबे नाखून रखते हैं तो उनमें मेल भर जाता है और फिर जब भोजन करने बैठते हैं तो कई बार जैसे आप बच्चे हो, खेलते खेलते आते हो और सीधा हाथ धोए न धोए कोई भी चीज़ आपको दी गई, आपने फटाक से उसको मुंह में खा ली, तो नाखून में जो कीटाणु थे वो सीधे आपके पेट में चले गए। इसलिए आपको क्या करना है, नाखून कटे हुए वह साफ रखने चाहिए। तो कृमि नियंत्रण अगर हमको करना है तो उसके लिए स्वच्छ शौचालय होना चाहिए, जूते चप्पल पहनने हैं, शौच के बाद खाने से पहले साबुन से हाथ अवश्य धोना है, सब्जियों फलों को जब भी आप बाजार से लेकर आते हैं तो पहला काम क्या करना है आपको, उसको साफ व शुद्ध पानी से धोकर रख देनी चाहिए और नाखून कटे व साफ रखने चाहिए। प्रश्न संख्या 22 है, हमें किसी वस्तु के स्वाद का पता कैसे चलता है। हमारी जीभ में छोटे छोटे उभार होते हैं। हमारी जीभ में क्या होते हैं, छोटे छोटे उभार होते हैं और इन्हीं उभारों से स्वाद का पता चलता है। जब हम भोजन को मुंह में रखकर जीभ के साथ लार के साथ इधर उधर घुमाते हैं तो हमें स्वाद का पता लगता है। देखो, हमें किसी वस्तु के स्वाद का पता कैसे चलता है। हमारी जीभ में छोटे छोटे उभार होते हैं। हमारी जो जीभ होती है, हमारी जीभ में क्या होते हैं, छोटे छोटे उभार होते हैं, तो इन्हीं उभारों से स्वाद का पता चलता है। आप भी देखते हैं आपकी जीभ में छोटे छोटे उभार होते हैं और इनसे ही आपको स्वाद का पता चलता है। जब हम भोजन को मुंह में रखकर जीभ के साथ लार के साथ इधर उधर घुमाते हैं, जब हम भोजन को मुंह में रखते हैं और मुंह में रखकर जीभ के साथ लार के साथ इधर उधर घुमाते हैं तो हमें स्वाद का पता चल जाता है। प्रश्न संख्या 23,
भोजन पकने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आपके पेट में भोजन कैसे पकता है, पचता है, तो वो आपको प्रक्रिया का बारे में बताना है। तो मुंह में रखा भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है। आपके मुंह के अंदर जो भोजन है वो किसके द्वारा चबाया जाता है? दांतों द्वारा दबाया जाता है, चबाया जाता है। तो दांत से हम भोजन को चबाते हैं, फिर यह ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। कहाँ से? ग्रसिका। ग्रसिका से होता हुआ यह आमाशय में पहुंचता है और जहाँ से यह छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। पहले आपके मुंह में रखा भोजन दांतों द्वारा चबाया गया, उसके बाद वह ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में पहुंचा और आमाशय में पहुंचने के बाद यह छोटी आंत से कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है। और आमाशय व आंत में पाचक रसों द्वारा भोजन पचाया जाता है। आमाशय व आंत में क्या होता है? जो पाचक रस होते हैं उनके द्वारा भोजन पचाया जाता है। अपचित भोजन मलाशय में एकत्रित होता है और जो भोजन अपचित यानी जो पचा नहीं है, जो पचा नहीं है वो भोजन मलाशय में एकत्रित हो जाता है जिसे बाहर त्याग दिया जाता है। और मलाशय में जो अपचित भोजन एकत्रित हो जाता है, एकत्रित होना यानी इकट्ठा होना, जब इकट्ठा हो जाता है तो उसे बाहर त्याग दिया जाता है। तो मुंह में रखा भोजन दांतों द्वारा दबाया जाता है, फिर यह ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है, जहां से यह छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। आमाशय व आंत में पाचक रसों द्वारा भोजन पचाया जाता है। अपचित भोजन मलाशय में एकत्रित होता है जिसे बाहर त्याग दिया जाता है।